बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी चिकन मसाला की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और उसको बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। भिंडी चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 kg भिंडियाँ ली हैं, जिन्हें अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इन भिंडियों के टॉप और बॉटम के पार्ट को काट कर अलहदा कर देंगे। आप इन भिंडियों को आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में कट कर लें। मैंने यहाँ पर भिंडियों को तिरछा कट किया है और एक भिंडी के 3 हिस्से किए हैं। आप चाहें तो इसे 2 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। अगर भिंडी का साइज़ छोटा है तो उसे काटने की ज़रूरत नहीं, आप उसे बगैर काटे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से सारी भिंडियों को काट लेंगे। इसके अलावा 2 अदद प्याज लिए हैं, 4 अदद टमाटर लिए हैं और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। प्याज को मैंने लंबाई के रुख में काट लिया है। टमाटर और हरी मिर्चों को रफली ब्लेंड कर लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है, 4 टेबलस्पून दही लिया है जिसे फेंट लिया है। मसालों में लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जीरा, 1/2 टीस्पून साबित जीरा, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है। अब एक टॉप में 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा चला लेंगे। अब इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड करेंगे। बड़ी इलायची को तोड़कर ऐड करेंगे। अगर ये आप खड़े मसाले ऐड ना करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऐड करने से चिकन में हीट नहीं आती और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब प्याज को लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए तो उसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन को इसका कच्चापन ख़त्म होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, सिर्फ गर्म मसाला पाउडर ऐड नहीं किया है, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अब मसालों को चिकन के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस दौरान अगर मसाला लगने लगे तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद आप इसे ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और चम्मच से इसे चला लेंगे। अभी चिकन फुल टेंडर नहीं हुआ है। अब हम इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देंगे और इसमें चम्मच चला लेंगे। अब यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है।
और चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करते वक्त फ्लेम को लो रखेंगे। अब चिकन को दही के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर चिकन दही के साथ अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारा चिकन तैयार है। अब हम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कटी हुई भिंडियाँ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो भिंडियों को ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने से भिंडियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली जाती हैं, इसलिए मैंने भिंडियों को हाफ कप ऑयल में ही फ्राई किया है। भिंडियाँ ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी भिंडियों को ऑयल लग जाए। भिंडियों की लेस ख़त्म करने के लिए अब इसमें एक अदद नींबू का जूस या 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर नींबू का जूस ऐड किया है। अब भिंडियों को मीडियम हाई फ्लेम पर 80% तक कुक करेंगे। बाकी 20% ये भिंडियाँ चिकन के साथ कुक होंगी। भिंडियों में मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं इसका लेस ख़त्म हो गया है और भिंडियाँ भी तकरीबन 80% कुक हो गई हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और भिंडियों को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इन फ्राई की हुई भिंडियों को चिकन में ऐड कर देंगे। अब भिंडियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे मसाला भिंडियों में अच्छे से लग जाएगा और भिंडियाँ फुल कुक हो जाएंगी। 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और इसमें चम्मच चला देंगे। और ये आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और ये भिंडी चिकन मसाला रेडी है। अब इसमें कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद इसे कटे हुए धनिए से गार्निश कर लेंगे और ये तैयार है भिंडी चिकन मसाला। बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है। जिस तरह से ये लुक में अच्छा है, इसी तरह से खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तंदूरी रोटी और रायते के साथ इसका मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। उम्मीद है आपको भिंडी चिकन मसाला की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।